नमस्कार दोस्तों, सतीश वर्ल्ड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके सामने टोयोटा के हाईराइडर का टॉप मॉडल जिसको वी बोलते हैं हम, ये हाइब्रिड वर्जन है इसका, इसकी हम बात करते हैं। ये आपका इसका फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हो, ये इसकी फॉग लाइट है और ये इसकी हेडलाइट यूनिट आप सामने से देख सकते हो। क्रोम फिनिशिंग का काफ़ी ट्रीटमेंट किया हुआ है। ये इसके रनिंग इंडिकेटर हैं और ये नीचे इसकी मेन यूनिट है लाइट की, क्रोम फिनिशिंग है। ये ब्लैक ग्लॉस में इसका फ्रंट आपको देखने को मिल जाएगा। ये सिल्वर पेंटेड इसका गार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट से काफ़ी अच्छी गाड़ी लग रही है, ये क्रोम फिनिशिंग फ्रंट में पूरा दिया हुआ है। टोयोटा का बड़ा सा लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। ये फ्रंट में कैमरे के प्लेसमेंट भी आप देख सकते हो, अर्बन क्रूजर हाईराइडर टोयोटा ने इसका नाम रखा हुआ है, जो कि ग्रैंड विटारा का ही एक कॉम्पिटिटर है। दोनों गाड़ियों में कोई सेम नहीं है, इस कंपनी का फ़र्क है। ये फ्रंट के अलॉय व्हील हैं गाड़ी में, डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिलेंगे, डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे जिसकी साइज़ आप देख सकते हो। अपोलो को टायर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। साइड का व्यू आप देखो, बॉडी कलर में आपको नहीं मिलेंगे, ब्लैक कलर के आपको ये मिरर मिलेंगे जिसमें 360 डिग्री कैमरे का नीचे आपको प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगा। साइड का व्यू आप देख सकते हो, गाड़ी काफ़ी मस्कुलर लग रही है, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अलॉय व्हील का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। ये रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा गाड़ी में, चूँकि टॉप मॉडल है तो आपको इसमें सभी फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ये काफ़ी लोग इसको विजिट कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन ड्यूअल टोन में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये इसका इंजन का आप देख सकते हो, इसमें 3 सिलेंडर इंजन है कंपनी प्रोवाइड करवाती है, और इसमें एक एक्स्ट्रा मोटर भी कंपनी देती है जो कि तकरीबन 79 BHP की अलग से पावर निकालती है, और जो इसका इंजन है वो 91 BHP का पावर जनरेट करता है। 3 सिलेंडर इसमें फोर वाल सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिल जाएगा। 360 डिग्री कैमरे की प्लेसमेंट ये आप देख सकते हो नीचे दी हुई है, जो कि आप अंदर चल के भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा 360 डिग्री कैमरा कैसे काम करता है। फ्रंट में ये कैमरे का प्लेसमेंट, एक कैमरा इसमें पीछे को मिलेगा। टोटल गाड़ी में 4 कैमरे आपको देखने को मिलेंगे, 2 मिरर पे, एक फ्रंट में और एक बैक में। पीछे साइड भी ये काफ़ी बड़ा लोगो क्रोम फिनिशिंग में टोयोटा ने अपना दिया हुआ है। गाड़ी काफ़ी अच्छी है। अभी आगे हम इसका साइड प्रोफाइल की आप देख सकते हो, बैक साइड में इसमें LED लाइट आप देखने को मिलेगी। ये दोस्तों इसमें ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया हुआ है, ये ऊपर जो है ये पूरा आगे से लेके पीछे से तक आपको ये ब्लैक ग्लॉसी का ट्रीटमेंट आपको देखने को मिला। ड्यूअल टोन है तो काफ़ी कंपनी खुद से काफ़ी अच्छा करके काम देती है, बाहर करवाने में उतना मज़ा नहीं है। बाहर अपन सिर्फ रैपिंग करवाएंगे, अगर छेड़छाड़ करेंगे तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। इसकी लाइटें LED लाइट ये आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी, काफ़ी अच्छी लुक ये देती हैं। इसकी बैक लाइट भी, ये वी टॉप वेरिएंट है हाइब्रिड वाला, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर आपको देखने को मिल जाएगी। अभी आगे हम देखते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि 28 किलोमीटर की माइलेज कंपनी इसमें क्लेम करती है। इसमें 2 सेंसर आपको बैक साइड में, सॉरी 4 सेंसर आपको बैक साइड में देखने को मिल जाएंगे। 4 सेंसर हैं, 2 साइड में दिए, मेरे को दिखे नहीं, तो 4 सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मैं बात करूँ तो ये ऑटोमेटिक है, 5 गियर पेडल शिफ्टर गाड़ी आपको देखने मिलेगी। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, ये क्रोम फिनिशिंग बैक साइड में दिया हुआ है, काफ़ी पीछे पूरे डोर पे। ये इसका डिफॉगर है आपको देखने मिलेगा, और ये इसका रियर वाइपर आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कोई चीज़ की गाड़ी में कमी फील नहीं होगी, ऑलमोस्ट तकरीबन सभी फीचर गाड़ी में दिए हुए हैं। टॉप वेरियंट है, 21 लाख के समथिंग आपको ये पड़ेगा। इसकी दूसरी साइड की बैकलाइट यूनिट है, ये इसका फ्यूल लीड है जो आप देख सकते हो, क्योंकि पेट्रोल है तो इसमें DFE का जरूरत नहीं है डालने का, तो इसमें सिंगल फ्यूल लीड आपको देखने को मिलेगा। ये इसमें सिल्वर क्रोम फिनिशिंग का ट्रीटमेंट आपको, ये इसका रियर बम्पर आपको देखने मिल जाएगा, ये एंटीना आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी रूफ बैक है एकदम ब्लैक, इसकी रूफ एकदम ब्लैक आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। ड्यूअल टोन है, रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफ़ी जच रहा है, गाड़ी में कोई कमी नहीं लग रही, बहुत अच्छी गाड़ी है। अभी ये इसकी डिलीवर चालू हुई नहीं है। ये इसका बैक डोर है जो 90 डिग्री तो नहीं खुलता टाटा की तरह, लेकिन काफ़ी अच्छा खुल जाता है। इसमें लेदर का काफ़ी काम किया हुआ है, इसके चारों डोर से लेदर का काफ़ी दिया हुआ है। ऊपर ये प्लास्टिक है, ये नीचे जो आप देख रहे हो ये लेदर है, इसके ग्रैप हैंडल में आपको लेदर देखने को मिल जाएगा। लेदर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। 1 लीटर की बोतल आप यहाँ डाल सकते हो, और कुछ मैगजीन भी आप यहाँ डाल सकते हो। ये इसका रियर सीट आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी स्पेसी है, क्योंकि ये 4300-4350 mm के आसपास की गाड़ी है, तो और 5 सीट रहे तो आप स्पेस की कोई कमी इसमें लगेगी नहीं। इसकी जो सभी सीटें हैं वो लेदर रैप्ड सीटें आपको देखने को मिलेगी। ये हेडरेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा,
इसमें टो कपोल्डर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा साइज मेरे को इसका लगा है। अभी हम देखते हैं कि दूसरे गेट के साइड ये ग्रैप हैंडल इसमें आपको तीन साइड मिलेंगे। ये इसकी पैनोरामिक सनरूफ है जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ी है, गाड़ी का अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी लगती है ये। और ये और कंपनियों के बजाय ये टोयोटा हैराइडर और ये इसको ज़्यादा खोलते भी हैं। ये ऐसी इवेंट है, 12 वोल्ट का सॉकेट चार्जर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, USB भी आपको देखने को मिलेगा, USB कम ज़्यादा करने का आपको एयर फ्लो ये मिल जाएगा। इसमें थोड़ा बम्प आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा बम्प इसमें देखने को आपको मिल जाएगा। स्पेस की कोई कमी नहीं है गाड़ी में। ये इसका आपके केबिन देख सकते हो कितना अच्छा, पीछे से काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्पेसियस भी लगता है और काफ़ी। ये इसके अभी ड्यूअल लीवर चल रहे हैं, अभी टाटा ने सिंगल लीवर देना स्टार्ट कर दिया है। ये इसका रूफ रेल है जो कि फंक्शनल रूफ रेल आपको देखने को मिल जाएगा, आप इसको फंक्शनल की तरह यूज़ कर सकते हो रूफ रेल को, तो ये आप देख सकते हो। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब इसके फ्रंट में हम चलते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जैसे हम दरवाजा खोलेंगे तो हमको ये यहाँ पर लेदर रैप फिनिश मिलेगा, ये प्लास्टिक मिलेगा आपको। ये इसका ग्रैप हैंडल है, ये विंडो के कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का है, ये मिरर एडजस्टमेंट का है और ये लीवर है। ये थोड़ा सा क्रोम फिनिशिंग आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमको यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा। ये यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग का AC वेंट पे आपको डिजाइन मिल जाएगा, ये AC को कम ज़्यादा करने का है। फिर उसके बाद हम स्टेयरिंग में जाएंगे तो स्टेयरिंग लेदर रैप आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ये म्यूजिक के कंट्रोल है, कम ज़्यादा करने का है, और इधर आपको क्रूज कंट्रोल सेट करने का सिस्टम दिया हुआ है। ये यहाँ पे मोड दिए गए, ये आपको कॉल के बटन दिए हुए, चूँकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो आप देख सकते हो ये हाइब्रिड वाला है, तो यहाँ पर आपको EV मोड देखने को मिलेगा, ड्राइव मोड देखने को मिलेगा और ये वेंटिलेटेड सीट का आपको यहाँ पे फंक्शन देखने को मिल जाएगा। ये इसका हैंड ब्रेक है। इसके बाद ये इसका आर्म रेस्ट है जिसके नीचे की आपको थोड़ा स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। 2 कप ग्लास होल्डर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम इसके डैशबोर्ड की बात करें तो इसमें 10 इंच का आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा जो कि पूरा टच है। उसके बाद ये हैजार्ड लाइट है, ये AC में थोड़ा डिजाइन दिया हुआ है क्रोम फिनिशिंग का। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो ये ट्रैक्शन ऑफ ऑफ का ऑन ऑफ का कंट्रोल है। यहाँ पे 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिल जाएगा, इधर USB का मिल जाएगा, ये यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर का प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये पूरा आपको जो है लेदर रैप्ड कंपनी आपको मिल जाएगी। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक अच्छा है। ये हेड्स अप डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ORP आपको देखने को मिल जाएगा, सनग्लास होल्डर आपको देखने को मिल जाएगा, ये मिरर वैनिटी मिरर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और को ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रैप हैंडल आपको तीन साइड देखने को मिल जाएंगे। ये सीटिंग कम्फर्ट है, ये वेंटिलेटेड सीट है, सीट बहुत अच्छी है, सीटों में कोई कमी नहीं है। अगर की की बात करें तो ये की मैं आपको, ये इसकी की है ड्यूअल की, आपको बराबर देखने को मिल जाएंगी। अब तक कंपनी अक्सर एक मैन की देती है और एक नॉर्मल की देती है, पर आपको यहाँ पर दोनों की फंक्शनल देखने को मिल जाएंगी जो कि लॉक अनलॉक का आपको फंक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिक वेरियंट है तो आपको यहाँ पर ये ब्रेक मिल जाएगा, ये रेस मिल जाएगी, उधर आपको ये डेड पेडल इधर देखने को मिल जाएगा, ये आपको 360 डिग्री व्यू देखने को मिल जाएगा, ये आपको बाकी कंट्रोल मिल जाएंगे, ये लाइट एडजस्टमेंट का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों गाड़ी में लेदर का बहुत सारा काम किया हुआ है, ये लेदर है ये जो कि पूरी गाड़ी में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हम चलते हैं गाड़ी के बूट की साइड। इसका डिस्प्ले है जो कि आप, इसका फंक्शनिंग सिस्टम इस तरीके से है। ये इसका हेड्स अप डिस्प्ले आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, ये इधर 360 डिग्री कैमरा आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मेरे को सबसे अच्छा जो कि पूरा डिजिटली आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको मोड देखने को मिल जाएंगे, ये पावर मोड, ये इको मोड है और ये चार्जिंग मोड है। ये यहाँ पे EV मोड में दिखा रहा है, इधर ये आपको
बहुत सारे फंक्शन है दोस्तों, अभी ये धीरे धीरे जब ये आएगी तो इसको समझेंगे कि इसमें क्या है। ये इधर एसी के कंट्रोल आपको देखने मिल जाएगा। अभी ये गाड़ी प्योर ईवी मोड पे है तो इसमें इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। इसका सबसे अच्छा फीचर यही है कि ये गाड़ी ईवी मोड पे है, एसी वेसी सब एकदम कूलिंग कर रहे हैं। ये तो सबसे अच्छा फीचर इसी का है कि गाड़ी अगर खड़ी रहती है और आप इसको स्टार्ट स्टॉप करते हो तो ये गाड़ी आपको ईवी मोड पे देखने को मिल जाएगी। ये इसका हेडसअप डिस्प्ले आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसमें कि आपको कुछ दिखाई भी दे रहा है। अगर आप नॉर्मली देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये देखने को आपको यहाँ मिलेगा। अभी ये गाड़ी हो गई है स्टार्ट, इतनी देर बाद में दोस्तों ये गाड़ी स्टार्ट हुआ है, तो अब इसको हम कर देते हैं बंद। ये हेडसअप डिस्प्ले इसका गया डाउन हो गया। तो ईवी का सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले ये ईवी पे ड्राइव करेगी, उसके बाद में ये आपको पेट्रोल पे ये मिलेगी आपको। ये गाड़ी का बैक डोर है जो कि आप देख सकते हो, यहाँ क्रोम फिनिशिंग आपको देखने को मिल जाएगा, ये आपको लीवर देखने को मिल जाएगा, इधर आपको ये विंडो ओपन डाउन में देखने को मिल जाएगा, ये लेदर रैप का आपको यहाँ पर काम देखने को मिल जाएगा, ये प्लास्टिक है, विंडो का साइज डिसेंट साइज में, कोई कमी नहीं है विंडो में। तो अभी हम गाड़ी के चलते हैं अंदर। गाड़ी का सीट मैंने मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट किया हुआ है तो मेरे को एनफ स्पेस मिल रहा है, 4-5 इतना स्पेस मेरे को मिल रहा है। गाड़ी में आपको यहाँ पे लाइट देखने को मिल जाएंगी पीछे एक साइड, और उधर भी आपको लाइट देखने को मिल जाएगी। ये गाड़ी का सनरूफ है जो कि मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे कैसे काम करता है, थोड़ी देर में मैं आपको इसका सनरूफ का फीचर भी आपको बता दूंगा। ये इसका हेडरेस्ट है जो कि काफ़ी अच्छा बड़ा साइज में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर दो लोग आसानी से अपना हैंड रख सकते हैं। गाड़ी में कोई कमी नहीं है, फीचर लोडेड गाड़ी है, मज़ा आएगा। ये इसका पॉकेट होल्डर है, ये एयरबैग का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये टॉप मॉडल है तो फिर आपको यहाँ पर इसमें 6 एयरबैग देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो गाड़ी में 2 ट्विटर हैं और 4 स्पीकर आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि 4 डोर्स पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी हम गाड़ी का बैक डोर ओपन करते हैं, फिर देखते हैं। ये गाड़ी का कैमरे का प्लेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बैक डोर का। ये वी वेरियंट है और हाइब्रिड वर्जन आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, ये इसका लॉक का सिस्टम है, ये इसकी पार्सल ट्रे है, पार्सल ट्रे का ये स्टेबल रखने के लिए आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर कुछ इसका ये चूँकि ईवी मोड है तो ये इतना सारा स्पेस खा जाती है। इसकी जो बैटरी का प्लेसमेंट है वो ये इसकी बैटरी का प्लेसमेंट है, ये वाला जो पार्ट है ये इसकी बैटरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो थोड़ा इसका बूट स्पेस कम हो जाता है। बूट स्पेस मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पर आपको 3 किलो तक का कुछ भी लटका सकते हो, तो बूट स्पेस काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ पर ये एक आपको 12 वोल्ट का सॉकेट चार्जर मिल जाता है, यहाँ पर लाइट आपको ये देखने को मिल जाती है। तो ये इसका बैक साइड है, आप इसमें हम इसकी सीट को आगे पुल भी कर सकते हैं, सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं, ये फोल्ड करने का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आईराइडर का बैक साइड है जो कि आप देख सकते हो। अब हम कर देते हैं गेट को बंद। ये गाड़ी का इंटीरियर है, ये आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, ये लेदर है फिनिश देखने को मिल जाएगा, ये आपको इसका 10 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, ये इसका ऑटोमेटिक कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये टोयोटा हाइराइडर के टॉप वेरिएंट का रिव्यू? अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें गाड़ी के ऊपर, मैं इसी प्रकार आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा जितना हो सकेगा। और आप मेरे को ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी गाड़ी का रिव्यू चाहिए, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको रिव्यू प्रोवाइड करवाऊँगा।